हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन हब में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। इसे बनाना बहुत आसान है और अभी ठंडियाँ हैं तो ठंडियों में सबको बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद है, क्यों बाजरे की तासीर गर्म है और ठंड अभी बहुत ज़्यादा है तो बाजरे की रोटी सबको खाना बहुत पसंद है। लेकिन हमें झंझट लगता है कि बाजरे की रोटी फूलती नहीं है, बाजरे की रोटी का आटा बहुत चिपचिपा होता है, वो तवे में चिपक जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी कैसे इसका आटा गूंदना है, कैसे इसकी रोटियां फूली फूली बनेंगी। और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी हर रोटी फूली बनेगी और सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली रोटी रहेगी। जहां आप दो रोटी खाते हैं आप पक्का 4 से 5 रोटी खा जाएंगे, इतनी टेस्टी रोटी ये बनेगी। और इसे बनाना बहुत आसान है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है या आप न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते हैं ये आसान रेसिपी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप पानी लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक है। पहले हम 1 कप पानी को गर्म कर लेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम बाजरे का आटा डाल देंगे। तो चलिए पहले पानी गर्म कर लेते हैं। हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे। हमें ये याद रखना है कि जब हम 1 कप बाजरे का आटा लेंगे तो 1 कप पानी ही हमें गर्म करना है और इसे हम ढक के पकाएंगे ताकि जल्दी पानी गर्म हो जाए। पानी गर्म हो गया है, अब हम बाजरे का आटा डाल देते हैं और अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। जब पानी बॉईल हो जाए तब हमें गैस बंद करना है। अब हम इसे मिक्स करके और ढक देंगे और 10-15 मिनट के बाद में जब हम हाथ से टच कर पाएंगे, जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसे मलेंगे। बाजरे का आटा देखिए ठंडा हो गया है। अब हम इसे जिसमें आटा गूंदना है उसमें हम निकाल लेते हैं। कोई बड़ी थाली ले लीजिए या आटा गूंदने वाला ऐसा कुछ ले लीजिए। इसी में हम गेहूं का आटा डाल देंगे और नमक डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है, हमें पानी मुश्किल से 3 से 4 टेबलस्पून लगेगा। तो इसलिए अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें थोड़ा सा पानी डालना और सॉफ्ट डो तैयार करना है। ऐसे मसल मसल के हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम 1 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो गीला हो जाएगा। अब और हम डाल लेते 1 टेबलस्पून। अब हम अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए डो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लीजिए और एक बार ऐसे अच्छे से घी वाला हाथ पूरा अच्छे से लगा के और फिर हम इसको डो को 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। फिर हम रोटियां बनाएंगे। हमारी रोटियां एकदम अच्छी फूली फूली बनेंगी। और इसको करने में 3 टेबलस्पून पानी लगा है, आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। तो हमारा डो रेडी है, एकदम सॉफ्ट डो। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10-15 मिनट हो गया, हमारा आटा एकदम अच्छे से रेस्ट कर लिया, एकदम सॉफ्ट आटा बना है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे हम ये बजरी की रोटी बेलेंगे। और इतने आटे में 10 रोटी बनेगी तो हम एकदम मीडियम साइज ले लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही बेल लेंगे। और आप इसे किसी भी साग के साथ खा सकते हैं। ठंडियों में तो बाजरे की रोटी खाना सब बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए बस ऐसे राउंड राउंड कर लेना और जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लेना, ना बहुत पतली रहे ना बहुत मोटी रहे।
ये देखिए ये मीडियम हो गई। अब हम इसे तवे पे डालते थे, तवा हल्का गर्म हो गया। जब तक हमारी पहली रोटी हो रही तब तक हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। रोटी की साइज आपको जैसे ठीक लगे, छोटी बड़ी वैसे करें, लेकिन दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। सूखे आटे में करके और थोड़ा सा हम ऐसे राउंड राउंड कर देंगे। हमारी रोटी बिल गई, अब हम देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हो गया, हम पलट देंगे। इस तरफ कम सिकेगा चलेगा, सेकेंड तरफ हम अच्छे से सेक लेंगे। जब तक वो रोटी सिक रही है हम तीसरी लोई बना लेंगे। हम चेक करते हैं, अभी नहीं, अभी भी थोड़ा सा है। और हम ऐसे चारों तरफ से ऐसे चिमटे से दबा देंगे ताकि चारों तरफ सिक जाए रोटी अच्छे से। नहीं तो कभी कभी रोटी ऐसे उड़ जाती तो चारों तरफ से नहीं ठीक से सिक पाते, तो हम ऐसे कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ हो गई है अभी। अब हम इसे गैस पे डायरेक्ट सेक लेंगे ऐसे धीरे धीरे। देखिए हमारी रोटी फूल रही है, अगर यहाँ से फट गई तो हम ऐसे दबा देंगे तो फूल जाए, क्योंकि नीचे का ये गैस का लग जाता है तो वो फट जाती है, लेकिन अगर हम उसे दबा देंगे तो देखिए रोटी फूल गई है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है इसमें, जब हम डालते हैं तो इसका कहीं कोना लग जाता है तो रोटी फूल फट जाती है। तब ये देखिए फूल गई है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से घी लगा लेंगे। अब हम ये दूसरी रोटी डाल देते हैं। अब पहले वाली रोटी में हम घी लगा लेते हैं, क्योंकि गरम गरम में ही हम घी लगाएंगे। गरम गरम में घी लगाएंगे तो रोटियां नरम रहती हैं। ये देखिए हम ऐसे घी, अब फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। अब हमारा तावा गरम था, ये देखिए एक तरफ से हो गई है। अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी होने देंगे, पकने देंगे। तब तक हम ये रोटी बेल लेते हैं। तो हम सूखे आटे में करके और ऐसे थोड़ा सा अंगूठे और उंगली से दबा देंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब फिर जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते वैसे बेलेंगे। चाहिए तो बीच में थोड़ा सा पैथन लगा लीजिए। ये देखो हमारी तीसरी रोटी भी सिक गई, अरे बेल गई सॉरी, हमारी तीसरी रोटी भी हमने बेल लिया। अब हम चेक करेंगे इसका दूसरी साइड थोड़ा सा हुआ, अब हम थोड़ा गैस तेज कर देंगे। इसे स्लो आंच पे ही सेकना है ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए अच्छे से सेक गई दूसरी तरफ। अब हम रखेंगे और धीरे धीरे बस कहीं टच, देखिए एकदम अच्छे से फूल गई, साइड से फट गई है। इसे हम यहाँ दबा देंगे, देखिए दबा देंगे फूल जाएगी रोटी। फिर हम ऐसे दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। देखिए कितनी फूली फूली रोटी बनी, जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते वैसे। तो हमारी रोटी हो गई। अब हम जो पहले हम रोटी रखे थे उसी के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर घी लगा लेंगे। तो देखिए कितना आसान है बाजरे की रोटी बनाना। ये देखिए ऐसे घी लगा कर तो एकदम सॉफ्ट रहेगी रोटी।
अब हम तीसरी रोटी भी सेक लेते हैं। इतने आटे में से टोटल 10 रोटी बनेगी, तो इसी तरह हम सारी रोटियां सेक लेते हैं। तो इसे भी राउंड करके बेल लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं ये रोटी एक तरफ से हुई है तो हल्की सी हो गई। अब हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ अच्छे से सिकती रहेगी, तब तक हम ये रोटी बेल लेंगे। तो देखिए ऐसे, इसको ऐसे करना जरूरी है, आप डायरेक्ट बेलेंगे तो इतने अच्छे से नहीं आप बेल पाएंगे, इसलिए ऐसे करके। अब फिर देखिए ऐसे जैसे नॉर्मल रोटी बेलते वैसे। अगर पूरा खाली आप बाजरे का आटा लेके करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी बेलने में भी, सेकने में भी, फिर ठीक से फूलती भी नहीं, फटती है, बहुत प्रॉब्लम होती। और इस तरीके से करिए, देखिए कितने अच्छे से ये हो गया। अब हम चेक कर लेते, थोड़ा गैस भी फास्ट कर देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कहीं नहीं हुआ है, तब ऐसे थोड़ा सा चारों तरफ प्रेस करके सेक लेते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ हो गया। अब हम इसे गैस तेज करके देखिए ऐसे सेक, देखिए कितने अच्छे से फूल रही है। फिर यहाँ कोने से फटी है, अब यहाँ हम कोने को दबा देंगे। देखिए इस तरह से सारी रोटियां फूलेंगी। उसी बहुत डेलिकेट होती, बहुत ध्यान देना पड़ता है, किसी भी बस कोने में कहीं लग जाता है तो फट जाती है। ये देखिए हो गई, देखिए बाजरे की रोटी कितनी फूली फूली। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे, देखो इतनी फूली। और आप जब घी लगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जहां आप दो रोटी तीन रोटी खाते हैं आप ये चार पांच रोटी खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हम और रोटियां, सारी रोटियां हम इसी तरह सेक लेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा बाजरे की रोटी बनाना कितना आसान है, और एकदम जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे ही मैंने आपको बनाना बताया, और एकदम जैसे गेहूं की रोटी फूलती वैसे अपनी बाजरे की रोटी फूली, और एकदम सॉफ्ट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अभी ठंडियां हैं तो इसे बाजरा खाना सब बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बाजरा थोड़ा गर्म होता है तो ठंडियों में सबको अच्छा लगता है। और आज मैं इसको सरसों के साग के साथ सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी साग के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या नॉर्मल भी कोई आप भाजी बनाएंगे उसके साथ भी बाजरे की रोटी खा सकते हैं, और इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने आज आपको बताया कि इसका आटा कैसे तैयार करना है और कितना इजी प्रोसेस है। अगर आपने एक कप बाजरे का आटा लिया है तो एक कप पानी लेके उसे बॉईल करना है, जब पानी में उबाल आ जाए तो बंद करके बाजरे का आटा मिला के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसमें एक कप गेहूं का आटा मिला के उसे सानना है, अच्छे से सॉफ्ट डो बनाना है। अब मुश्किल से 3 से 4 टेबल स्पून पानी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ज़रूर ये पसंद आया होगा वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको बाजरे की रोटी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।